Good morning, students. Today we'll start with the last method of Karl Pearson correlation coefficient, that is the step deviation method. Shortcut method आपको समझ में आ गया था. अब जैसे mean था, वहाँ पर हमने deviation लिया और वो shortcut method था. Step deviation में क्या होता है कि एक common factor को लेकर वो जो पूरा simplification है उसको वहाँ पर easy कर दिया जाता है. ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पर होगी स्टेप डेविएशन मेथड में. मतलब कि यहाँ पर भी अज्यूम्ड मीन लिया जाएगा और जब आपने ये शॉर्टकट मेथड में ये आपका जब dx निकल गया, यहाँ पे आपका dy निकल गया, तो इसको क्या करते हैं, अगर एक कॉमन फैक्टर दिखता है तो एक कॉमन फैक्टर देखकर इसे कर देते हैं उससे सिंप्लीफाई, सेम जैसा कि हम मीन में करते थे. और उसके बाद जो आपका प्रोसीजर है वो एज इट इज यहाँ पे कंटिन्यू होता है. तो इस केस में फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, एक बार देख लेते हैं. R इक्वल्स टू समेशन डी एक्स डैश डी वाई डैश माइनस समेशन डी एक्स डैश इंटू समेशन डी वाई डैश अपॉन एन. जो हम लोग कॉमन फैक्टर जब हम उसे करेंगे तो जो कॉलम बनेगा कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद वो डैश से सिंपली डिनोट करते हैं, जैसे मीन में करते थे. डी हमारा निकलता था एक्स माइनस ए से, तो जब हम उस पर सी का एप्लीकेशन कर देते थे तो डी डैश हो जाता था. तो वैसे ही जब यहाँ पर डी एक्स पे सी का एप्लीकेशन हो जाएगा तो ये डी एक्स डैश हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेशन डी एक्स डैश स्क्वेयर माइनस समेशन डी एक्स डैश द होल स्क्वेयर अपॉन एन इंटू समेशन डी वाई डैश स्क्वेयर माइनस समेशन डी वाई डैश द होल स्क्वेयर अपॉन एन. इसको एक न्यूमेरिकल से हम लोग सॉल्व करते हैं. यहाँ पर है कैलकुलेट कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस है 5, 10, 15, 20, 25. वहीं पर डिमांड है 40, 35, 30, 25, 20. अब सबसे पहले हमें क्या करना है, प्राइस लिख लिया जो हमें पता है और यहाँ पर हमने डिमांड लिख ली जो हमें पता है. ठीक है, अब क्वेश्चन में चाहिए इसे डी एक्स डैश डी वाई डैश का टोटल. मतलब सबसे पहले हमें निकालना है डी एक्स डैश. इसका मतलब है कि पहले हमें dx निकालना पड़ेगा. और dx हम कैसे निकालते हैं कि x में से हम एक वैल्यू को अज्यूम्ड मीन लेंगे और उसमें से x माइनस a करेंगे तो वो हमारा निकल जाएगा वहां पर डी डैश dx. ठीक है, तो यहाँ पे dx है, अज्यूम्ड मीन जो यहाँ पर ली गई है वो है 15. ठीक है, तो 15, तो 5 minus 15 is -10, 10 minus 15 is -5, 15 minus 15 is 0, 20 minus 15 is 5 एंड 25 minus 15 is 10. n है आपका 5. n हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है, n हमें चाहिए जो हमें 5 पता चल गया. ये हमने निकाल लिया यहाँ पे डी एक्स. अब क्वेश्चन में क्या चाहिए, डी एक्स डैश चाहिए क्योंकि हम स्टेप डेविएशन कर रहे हैं. मतलब कि इस कॉलम में अब हमें देखना है क्या कोई कॉमन फैक्टर है, उस कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड कर सकते हैं सारे नंबर्स को और जो कॉलम नया बनेगा उसे हम बोलेंगे डी एक्स डैश. तो यहाँ पर अगर आप देखें 10, 5, 5, 10, तो ऐसा एक नंबर जिससे ये सारे नंबर डिवाइड होते हैं वो कौन सा है, 5. तो यहाँ पर C1 जो हमने कंसिडर किया, क्योंकि हम फर्स्ट सीरीज की बात कर रहे हैं तो उसे C1 से डिनोट किया जा रहा है. तो C1 हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया 5 को. ठीक है, तो 10 divided by 5 is -2, -5 divided by 5 is -1, 0 divided by 5 is 0, 5 divided by 5 is 1 एंड 10 divided by 5 is 2. हमें चाहिए यहाँ पे समेशन डी एक्स डैश हमें चाहिए. ठीक है, तो हम समेशन डी एक्स डैश का टोटल कर लेंगे जो हमारा आ गया 0. मतलब कि हमने ये भी फाइंड कर लिया कि समेशन डी एक्स डैश क्या है यहाँ पर. ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में है कि यहाँ पे देखिए डी एक्स डैश का स्क्वायर भी चाहिए. ठीक है, तो
अब क्या करेंगे, डी एक्स डैश निकल गया, अब इसके स्क्वायर्स कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब समझ में आया कि हमने क्यों यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया, अगर नहीं करते तो यहाँ पे 10, 5, 5, 10 इन सब का हमें स्क्वायर लेना पड़ता, तो जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी लेंदी हो जाता। सो हमने यहाँ पर डी एक्स डैश स्क्वायर निकाल लिया और उसका हमने सम टोटल निकाल लिया 10, तो हमें ये वैल्यू भी मिल गई, यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिल गई, हमें ये वैल्यू मिल गई और हमारा n हमें पता है। अब हम चलेंगे y की तरफ, ये हम आ गए y पे, y का हमारा क्या है 40, 35, 30, 25, 20, n यहाँ पर भी 5 है। अब इसमें से 30 को कंसिडर किया गया है अज्यूम्ड मीन, तो फिर 30 - 40 - -10, 30 - 35 - -5, ये उल्टा कर दिया इन्होंने, एंड 30 - 30 - 0, 25 - 30 - -5 एंड 30 - 20 - -10, ये हमारा यहाँ पर ये क्लियर हो गया, 10, 5, 0, -5, -10, मतलब ये हमारा 0 ही आना है। अब हमें dy चाहिए, ठीक है, तो समेशन dy डैश, क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, dy डैश हमें चाहिए, उसका सम, तो dy निकल गया है, कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, कॉमन फैक्टर क्या है 5, यहाँ पर भी है, तो यहाँ के कॉमन फैक्टर को हम लिखेंगे c2 जो है 5, सबको डिवाइड किया 5 से तो आ गया 2, 1, -1, -2, समेशन dy डैश हमारा आ गया 0, तो ये वैल्यू भी हमारी निकल गई। हमें अब क्या चाहिए यहाँ पे, समेशन डी वाई डैश का स्क्वायर चाहिए, तो ये जो डी वाई डैश निकला है इनके हम स्क्वायर्स करेंगे और उसका टोटल है 10, जो हमने एज इट इज लिख लिया, मतलब ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई। अब हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो वो है समेशन डी एक्स डैश इंटू डी वाई डैश, मतलब कि जो डी एक्स डैश जो है ये और डी वाई डैश मतलब ये, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके सम चाहिए हमें, -2 × 2 = -4, -1 × 1 = -1, 0 × 0 = 0, 1 × 1 = 1 and 2 × -2 = -4, तो इनका हमने टोटल कर लिया जो आया हमारा -10, तो यहाँ पर हमारी ये वैल्यू भी निकल गई। अब हम फॉर्मूला में एज इट इज पुट करेंगे, समेशन डी एक्स डैश डी वाई डैश क्या है 10 - 10, हमने लिख लिया -10, फिर माइनस समेशन डी एक्स डैश, डी एक्स डैश क्या आया है हमारा 0, इंटू समेशन डी वाई डैश वो भी 0, मतलब 0 × 0 / 5, एन हमारा 5 है, 0/5, फिर अंडर रूट क्या चाहिए, समेशन डी एक्स डैश द होल स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू, तो ये है हमारा 10 माइनस समेशन डी एक्स डैश इसका स्क्वायर, द होल स्क्वायर मतलब वो 0 ही होगा, और नीचे एन, यहाँ पर भी 10 - 0/5 इसकी वैल्यू, ये हमने कर लिया। अब -10, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो गई, मतलब -10 ये वैल्यू 0 हो गई, अंडर रूट 10 इंटू ये वैल्यू भी 0, तो ये अंडर रूट 10 दैट इक्वल्स टू -10 हो जाएगा, 10 इंटू अंडर रूट 10 इज अंडर रूट 100, 100 का जब स्क्वायर रूट, आपका अंडर रूट 100 है, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 10 निकलेगा, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया गया है -10/10 = -1, तो -1 क्या होता है, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कोरिलेशन हमारा क्या आया है -1, तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है, क्लियर अंडरस्टूड। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले, आर की कोई यूनिट नहीं होती है,
एक प्योर नंबर होता है, मेजरमेंट होता है, कोई पार्ट नहीं होता है। उसके बाद जो आर की नेगेटिव वैल्यू आएगी वो एक इनवर्स रिलेशन दिखाती है, एंड पॉजिटिव होगा तो मतलब कि टू वेरिएबल्स जो हैं वो एक सेम डायरेक्शन में यहाँ पर मूव कर रहे हैं। जब आर इक्वल्स टू ज़ीरो द टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड। जब आर ज़ीरो आ गया मतलब दोनों जो हैं वो अनकोरिलेटेड हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, कोई रिलेशन नहीं है उनके बीच। इफ़ आर इक्वल्स टू वन और आर इक्वल्स टू माइनस वन द कोरिलेशन इज परफेक्ट और प्रोपोर्शनेट। अ हाई वैल्यू ऑफ आर इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप। जो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप कब होता है, प्लस वन से माइनस वन तक के रेंज में। ओके तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशियंट आपका खत्म होता है। नेक्स्ट है आपका स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशियंट, जो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। उसमें रैंकिंग के थ्रू आप कोफिशियंट फाइंड आउट करते हैं, बट दिस टाइम द सिलेबस हैज़ बीन डिलीटेड एंड जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो है आपका इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन। क्या इम्पॉर्टेंस है? सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज एंड कॉन्सेप्ट्स। द स्टडी ऑफ कोरिलेशन शोज द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। This has helped the formation of various laws and concept in economic theory, such as law of demand and the concept of elasticity of demand. क्योंकि वहाँ पर हम inverse relationship और जब supply की बारी आती है तो वहाँ पर positive relationship हम पढ़ते हैं, तो वो जब economist ने ये correlation को find किया तो उसकी वजह से वो law of demand जो है उसका establishment वहाँ पर हो पाया। Then we have cause and effect relationship. Correlation coefficient sometimes suggest cause and effect relationship between different variables. This helps in understanding why certain variables behave the way they behave. कई बार क्या होता है, एक का असर दूसरे पर पड़ता है, तो correlation coefficient की वजह से ये पता चलता है कि variables में अगर हम change करते हैं तो कैसे एक variable के change की वजह से दूसरे variable पर असर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है। नेक्स्ट है बिजनेस डिसीजंस। कोरिलेशन एनालिसिस फैसिलिटेट्स बिजनेस डिसीजंस बिकॉज द ट्रेंड पाथ ऑफ वन वेरिएबल में सजेस्ट द एक्सपेक्टेड चेंज इन द अदर। अगर एक का असर दूसरे पर है तो एक में चेंज करने से पहले हम ये ज़रूर एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि इसका असर दूसरे पे होगा, तो उसके लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर हो सकते हैं। तो बिजनेस डिसीजंस में भी कोरिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड नेक्स्ट इज़ फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जब डिफरेंट रेट्स हमें बनाने होते हैं, टैक्स रेट्स, एक्साइज रेट्स, तो इनके लिए कोफिशिएंट कोरिलेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक टैक्स की वजह से हमारी पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या असर पड़ेगा ये कोरिलेशन से पता चलता है। सो हियर दिस ब्रिंग्स टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। यू हैव गिवन सम बुक्स में जो हैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व एंड अनसॉल्व दिए हैं। ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, देन वील मीट इन स्कूल एंड हम लोग फिर स्कूल में कुछ अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स साथ में सॉल्व करेंगे। बट टिल देन लर्न द स्क्वेयर रूट्स, लर्न द स्क्वेयर्स, और जो आपका कैलकुलेशन है वो भी बहुत लोग का गड़बड़ है, उसमें कैलकुलेशन को आप थोड़ा स्ट्रांगली अपने फोकस करिए। न्यूमेरिकल्स जितने हो सके उतने घर पर आप लोग प्रैक्टिस करिए। ओके सो दिस ब्रिंग्स टू एंड ऑफ दिस चैप्टर।